In the 11th part of it, it says we have a cylindrical tube and it says that it is open at both the ends, is made up of iron sheet which is 2 cm thick. एक तरीके से हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर है, पाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि थिकनेस कितनी है इसकी, इट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस है, आउटर डायमीटर इज गिवन एज वेल। आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, इट इज गिवन एज हाउ मच, 16। तो हमारा बाहर वाला रेडियस कितना हो जाएगा, इट वुड बी 8 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर इन दिस सिचुएशन। इसको हम बेगार से रिप्रेजेंट करेंगे और इनर वाले को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी वुड बी रिप्रेजेंटिंग इट विथ स्मॉल आर। और स्मॉल आर हमारा होगा कितना, इट वुड बी 6, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ जब 8 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जब 8 है तो 2 थिकनेस में चला गया, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द 8 कितना बन जाता है, इट वुड बी 6 सेंटीमीटर। इनर रेडियस वुड बी 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है हमें इस सिचुएशन में, 100 सेंटीमीटर इज देयर। देन दे आर सेइंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन हैज बीन यूज्ड। ये पूरा किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है यहाँ तक, तो हमें यहाँ पे आयरन के वॉल्यूम निकालना है बिकॉज इट्स इज क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कैसे निकलेगा आपका वॉल्यूम ऑफ आयरन, इट वुड बी इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ आउटर वन माइनस इनर वन। सो वॉल्यूम ऑफ आउटर वन कितना हो जाएगा आपका, इट वुड बी पाई आर स्क्वायर एच, एंड इनर वन वुड बी पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, पाई ले सकते हो, एच भी ले सकते हो, आर स्क्वायर इन द ब्रैकेट, स्मॉल आर स्क्वायर इन द ब्रैकेट। पाई इज 22/7, एच कितना है हमारे पास, इट इज 100, एंड आर स्क्वायर कितना, इट इज 8 स्क्वायर, एंड देन यू हैव स्मॉल आर स्क्वायर एज 6 स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 22/7 × 100, एंड इन ब्रैकेट यू वुड हैव 64, 64 में से 36 गए, इट इज 28। 7 को 28 से डिवाइड करो, यू वुड गेट 4। 22 × 4 इज 88, 88 को 100 से करोगे तो 8800 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी देयर।